तो इस जंगल में कहाँ जाऊँ? इससे मांगू? अरे ये तो वही है आदिवासी विशाल गोंडवाना भूभाग का वासी, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को अपने भीतर समेटे विकास के गोल गोल घूम रहे पहिए में कहीं दूर धकेल दिया गया, जिसके सर पर विकास का सूरज नहीं चमकता बल्कि काली डरावनी अमावसी रातों का पहरा होता है, ये वही आदिवासी है। हम उस इलाके से हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और आज़ादी के इतने सालों बाद भी, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका, ये ऐसे इलाके हैं जो जहां पे आदिवासी आज भी निवास करते हैं और वो तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। नाटक से हम लोग आदिवासी का परिस्थिति को हम लोग बताते हैं। आदिवासी गांव में ऐसी परेशानी है कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, किसी घर में राशन कार्ड नहीं है और वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं है, वन भूमि पट्टा का ये भी दिक्कत है, पूरा आदिवासी गांव में सब कुछ दिक्कत है। अरे भाई साहब उठिए, भाई साहब मैं शहर से आया हूँ गांव देखने और गांव की इन तमाम सच्चाइयों को मनदर्दी से देखने आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यार कहाँ से आए भाई तुम? तो हम लोग नाटक के माध्यम से ये बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। उसमें एक प्रोफेसर होता है जो जाता है गांव में और वो देखता है कि तमाम समस्याएं हैं, और फिर वो शहर वापस आकर के अपने कॉलेज में छात्रों से बातचीत करता है, संवाद स्थापित करता है और उनसे सवाल पूछता है कि आप लोग शहर में सोए पड़े हो, आप लोग सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हो और उसी कारण से तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं, और वो नक्सलवाद का भी जिक्र करता है। लेकिन मोबाइल ऐसा साधन है कि आजकल हर गांव में अवेलेबल है, तो मोबाइल के माध्यम से सीजी नेट के नंबर से रिकॉर्ड करके वो अपनी समस्याएं भेजते हैं। अच्छा। समस्या से संबंधित अधिकारी का नंबर भी बताते हैं। अच्छा। अब आप पूछिएगा नंबर क्यों बताते हैं? तो नंबर इसलिए बताते हैं कि वो बेचारे कानून नहीं जानते। अच्छा। तो हम सीजी नेट सुनने वालों से वो निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या ये है और समस्या से संबंधित अधिकारी का नंबर ये है। अच्छा। तो इस नंबर में सीजी नेट सुनने वाले फोन करें और हमारी गांव की समस्या को सुलझाने में मदद करें। हमारा प्लेटफॉर्म जो सीजीनर स्वरा है वो उनको उनकी बात रखने का एक अवसर देता है, वो अपने ही फ़ोन से अपनी बातें रख सकते हैं 3 मिनट के अंदर, उनका पैसा भी नहीं लगता, उनको सिर्फ मिस कॉल करना होता है और वो जिस भी समस्या में होते हैं उस समस्या से जुड़ी बातें करते हैं, अपने गीत भी बोलते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब कुछ बोलते हैं। बढ़िया नाटक था और इसमें सीजी नेट के बारे में पता चला कि क्या क्या है इसमें, और हमें बिल्कुल नहीं पता था। हम नॉर्मली फोन जो यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यही सब चलाते, कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था हमने। अगर हम थोड़ा हम यूथ ऐसे अगर फेसबुक द्वारा, नेट, व्हाट्सएप द्वारा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इनके लिए कुछ हेल्प करेंगे तो शायद इनका गाँव में बिजली, पानी, सब कुछ की सुविधा हो सकती है, शायद हमारे एक कदम से। हमने एक पेटिशन शुरू किया है जिसमें हमने मॉरल पुलिसिंग, रेंट और